ओके बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कल जो टॉपिक हमने देखा था, दैट वाज प्रोटेक्शनिज्म, उसी के साथ हम दोबारा से स्टार्ट लेंगे। क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं कि प्रोटेक्शनिज्म क्या चीज़ है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, और उसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये जो टॉपिक है इससे रेलेवेंट क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछता है और उन क्वेश्चंस के पॉसिबल आंसर्स क्या होने चाहिए। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप अनम्यूट करके उसी वक्त आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि सारे लोग एक दफ़ा अनम्यूट ना करें, एक टाइम पे एक बच्चा अनम्यूट करे और अपना क्वेश्चन पूछने के बाद दोबारा से अपने फ़ोन को म्यूट कर दे। अदरवाइज ये होगा कि बाकी लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी और बात समझने में मुश्किल होगी, और इसमें फिर जूम प्रॉब्लम भी करना शुरू कर देते हैं। जी, होपफुली आपको स्क्रीन शेयर हो रही है। आप में से कोई बच्चा अनम्यूट करके बताया ज़रा, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? ठीक जी हो रही है। है। अच्छा, मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, ये कल भी हमने टॉपिक पढ़ा था। क्विकली इसको रिव्यू कर लेते हैं और इससे कनेक्टेड अगला जो टॉपिक है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। प्रोटेक्शनिज्म वो मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट अपनी लोकल यंग इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करती है, कुछ मेथड्स का यूज़ करती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंपोर्ट्स का वॉल्यूम कंट्रोल हो जाता है और लोग ऑटोमेटिकली इंक्लाइंड होते हैं लोकली प्रोड्यूस गुड्स की तरफ। प्रोटेक्शनिज्म को एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी भी कहते हैं। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गवर्नमेंट चाहती है कि इम्पोर्ट से लोगों को स्विच किया जाए लोकली प्रोड्यूस गुड्स की तरफ, ऐसी पॉलिसीज को हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज कहते हैं। लाइक एक्सपेंडिचर लोग कर रहे होंगे स्टिल, बट दे वुड बी स्पेंडिंग मोर ऑन लोकली प्रोड्यूस गुड्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्पेंडिंग मोर ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। सो प्रोटेक्शनिज्म वो मेथड्स हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्री की डिमांड को बढ़ाना चाहती है। जी, इसमें सबसे पहला मेथड है हमारे पास टैरिफ। टैरिफ जो है, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स विच इज़ इम्पोज ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, और जब इम्पोर्टेड गुड्स पे गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पोर्टेड गुड्स बिकम एक्सपेंसिव और एज अ रिजल्ट कंज्यूमर्स आर डाइवर्टेड टूवर्ड्स लोकली प्रोड्यूस गुड्स इंस्टेड ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। टैरिफ का इम्पैक्ट इम्पोर्ट्स पे किस तरह से पड़ता है, इसको हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। जी, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहे हैं, इसको क्विकली एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। जी, इस ग्राफ में हमें ये नज़र आ रहा है क्लियरली कि इनिशियली डिमांड कर्व हमारे पास डी डी है। डी डी स्टैंड फॉर डोमेस्टिक डिमांड एंड डी एस स्टैंड फॉर डोमेस्टिक सप्लाई, यानी विद इन द मार्केट, विद इन द कंट्री जो हमारी डोमेस्टिक सप्लायर हैं और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनका इंटरेक्शन पॉइंट ई पे हो रहा है। लाइक डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक सप्लाई पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करें तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की जो प्राइस है, दैट इज़ डी पी। अब ये हमें शो करे कि लोकली फॉर्म्स की जो प्राइस मार्केट में चल रही है वो ये डी पी है। लेकिन अगर इम्पोर्टेड गुड्स की प्राइस लेट से एफ पी हो, फॉरन प्राइस, एफ पी स्टैंड फॉर फॉरन प्राइस, तो हमारे पास फॉरेन सप्लाई का फिर इस तरह से बनेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन यहाँ पे शो हो रही है एफ एस के नाम से। अगर हम देखें प्राइस अगर लोकल मार्केट में एफ पी हो तो लोकल कंज्यूमर यानी डोमेस्टिक कंज्यूमर कितना कंज्यूम करना चाहेगा और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स कितना प्रोड्यूस करना चाहेंगे। अगर प्राइस लेट से एफ पी है तो एफ पी पे डोमेस्टिक सप्लाई को इंटरसेक्ट करिए एफ पी प्राइस पॉइंट ए पे, जहाँ पे डोमेस्टिक सप्लाई एस के इक्वल है। लेट से एस जो है वो 50 यूनिट्स बन रहे हैं, लेकिन इसी प्राइस एफ पी पे जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है वो कितनी डिमांड करे, जहाँ पे ये डोमेस्टिक डिमांड को कट करेगा पॉइंट बी पे, वहाँ से हमें पता चलेगा कि डोमेस्टिक कंज्यूमर हमारा यानी लोकल कंज्यूमर हमारा पॉइंट डी तक डिमांड करे। लेट से ये हमारे पास 120 यूनिट्स है। अगर हमारे डोमेस्टिक सप्लायर 50 यूनिट्स सप्लाई करें लेकिन डिमांड हमारे पास 120 यूनिट्स है, तो 50 और 120 के दरमियान में ये जो गैप अराइज हुआ है 70 यूनिट्स का, ये हम इंपोर्ट करवाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती ये है
कि लोकल गुड्स की तरफ लोगों को ज़्यादा इंक्लाइन करने के लिए, उनका ट्रेंड उधर चेंज करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स को एक्सपेंसिव करेगी। एक्सपेंसिव कैसे करेगी? उन पे टैरिफ लगा के, इंपोर्टेड गुड्स पे जब गवर्नमेंट टैरिफ लगाएगी तो टैरिफ जब इसके अंदर ऐड हो जाएगा तो प्राइस अब FP+T हो जाएगी। इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस अब हमारी इंक्रीज कर गई है। अब प्राइस इंक्रीज होने की वजह से न्यू सप्लाई का, सर, जी बेटा, सर जो फॉरेन प्राइस का अच्छा जो कर्व है वो सीधा क्यों है? देखिए, हम यहाँ पे इसको फॉरेन सप्लाई को हम सर जी आवाज नहीं आ रही। आवाज के, आपको सिर्फ नहीं आ रही, इबाद और कोई बच्चा है जिसको आवाज ना आ रही हो? इबाद आप अपने फोन को चेक करें, हो सकता है उसमें कोई म्यूट ना हुआ हो। सर जी अब आ रही है सही। अच्छा ठीक है। जी अब ना बेटा, हम इसको स्ट्रेट लाइन इसलिए शो कर रहे हैं ताकि हम इसकी प्राइस को कांस्टेंट शो कर सकें, फॉरेन सप्लाई कर्व को, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल शो कर रहे हैं। अब FP+T जब होगा, यानी प्राइस जब फॉरेन गुड्स की, इंपोर्टेड गुड्स की जो प्राइस है उसमें जब टैरिफ ऐड होगा, टैक्स ऐड होगा, तो अब हमारे पास प्राइस FP+T हो जाएगी। FP+T के ऊपर अगर देखें तो अब चूंकि प्राइस थोड़ी सी ऊपर चली गई है, डोमेस्टिक सप्लायर थोड़ी सप्लाई बढ़ाने के लिए विलिंग होंगे। अब डोमेस्टिक सप्लायर पॉइंट सी तक सप्लाई को बढ़ा देंगे। अगर देखें तो अब हमारे पास सप्लाई S1 हो जाएगी। सप्लाई S1 पे लेट से हमारे पास क्वांटिटी 60 यूनिट्स बन रही है, और लेकिन इस प्राइस FP+T पे डिमांड देखें, डोमेस्टिक डिमांड F तक है, और अब हमारे पास जो लोकल कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड उनकी D1 हो जाती है। लेट से ये 100 यूनिट्स है। अब क्या हुआ कि थोड़ी सी प्राइस, जो प्राइस बढ़ी है, प्राइस बढ़ने की वजह से डोमेस्टिक सप्लायर्स ने भी अपने सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ा दिया, 50 से 60 कर दिया, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर था उसने भी क्वांटिटी डिमांड इंपोर्टेड गुड्स की थोड़ी कम कर दी है, 120 से 100 तक ले आए। अब हमारे पास डोमेस्टिक सप्लाई 60 है, डोमेस्टिक डिमांड 100 है, तो 60 और 100 के दरमियान का जो गैप है, अब हमारे पास 40 यूनिट्स का है। अब हमारे पास जो इम्पोर्ट्स का वॉल्यूम होगा वो खाली 40 यूनिट्स होगा। पहले हम इम्पोर्ट करवा रहे थे 70 यूनिट्स, लेकिन अब हम इम्पोर्ट करवा रहे हैं 40 यूनिट्स, तो वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट सब्सटैंशली डिक्रीज कर गया, जिसकी वजह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए हमें काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट यूजेस टैरिफ टू कंट्रोल द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स कमिंग इन टू द कंट्री। जी उसके अलावा जब टैरिफ गवर्नमेंट लगाती है तो इसके डेफिनेटली कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। फ़ायदा ये हुआ कि इम्पोर्ट्स का वॉल्यूम कंट्रोल हुआ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया, लोकल यंग इंडस्ट्री या लोकल इन्फेंट इंडस्ट्री जो जस्ट स्टार्ट हुई है उसको फ्लारिश होने का मौका मिलेगा, जो हमारी सनसेट इंडस्ट्री है या डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है जो डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है उसको भी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होती है, उसको भी सर्वाइवल के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर इम्पोर्ट्स आती रहेंगी तो डेफिनेटली वो डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री हमारी बिल्कुल डैमेज हो जाती है। फिर गवर्नमेंट टैरिफ लगा के इम्पोर्ट्स को कंट्रोल करके लोगों की का ट्रेंड जो है वो नी सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज की तरफ ज़्यादा लोगों को इंक्लाइन करके इनकी डिमांड क्रिएट करते हैं ताकि ये लोग सर्वाइव कर सकें। उसका फ़ायदा अगेन ये भी होता है कि हमारा GDP बढ़ता है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अचीव होती है, और लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, और लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होने का भी चांस होता है। लेकिन दूसरी तरफ इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। टैरिफ का क्या नुकसान होगा? टैरिफ का ये डिसएडवांटेज हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे टैरिफ लगा देती है जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रही थी विद इन विद इन आर डोमेस्टिक इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल, हमारी जो कार इंडस्ट्री है, कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो यहाँ पे असेंबल करती है, जस्ट पार्ट सारे इंपोर्ट करवाती है। अगर होंडा को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो होंडा के जो पार्ट्स हैं वो इम्पोर्ट होके आते हैं, यहाँ पे जस्ट असेंबल होते हैं। तो अगर उन पे गवर्नमेंट टैरिफ लगा देगी तो इन कंपनीज के लिए कंपोनेंट पार्ट्स मंगवाना काफ़ी एक्सपेंसिव होगा। अगेन क्या रिजल्ट निकलेगा उसका? उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि ये इंडस्ट्री इंपोर्ट्स नहीं करवा सकेगी, इंपोर्ट्स नहीं करवाएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, सॉरी, इंपोर्ट नहीं करवा सकेंगी तो इनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, और होंडा इंडस्ट्री जो है या कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कार असेंबली प्लांट जो है वहाँ पे
इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हुई होती है उनके लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो कार इंडस्ट्री को, हमारी लोकल कार इंडस्ट्री को ये काफ़ी डैमेज कर सकता है। इसी तरह से अगर कोई टेक्नोलॉजी, इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी अगर हम इम्पोर्ट करवाना चाह रहे हैं और इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी पे गवर्नमेंट टैरिफ लगा देती है, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा कि वो टेक्नोलॉजी हम इम्पोर्ट नहीं करवा सकते, तो फिर हमारे लिए जो एडवांस मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हम फॉलो नहीं कर सकेंगे, अगेन हमारे लिए प्रॉब्लम होगी जी। इसके अलावा सेकेंड जो मेथड है हमारे पास जो प्रोटेक्शनिज्म के तौर पर यूज़ होता है, दैट इज़ कोटा। कोटा इज फिजिकल लिमिटेशन ऑन क्वान्टिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इम्पोर्टेड इन टू द कंट्री। हम फिजिकली लिमिट लगा देते हैं कि कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट हो सकती है गिवन टाइम पीरियड के अंदर। कोटा अगेन बाइंडिंग भी हो सकता है, नॉन बाइंडिंग भी हो सकता है। नॉन बाइंडिंग का मतलब ये है कि जब उसे फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और बाइंडिंग का मतलब है जब उसे फॉलो करना ज़रूरी हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्री ट्रेड के थ्रू ऑलरेडी पाकिस्तान में अगर 100,000 कार्स, 1,00,000 गाड़ियाँ एक साल में इम्पोर्ट हो रही थी, और गवर्नमेंट ने कोटा सेट कर दिया 120,000 गाड़ियों का, तो इट मींस जो 20,000 एक्स्ट्रा गाड़ियों का गवर्नमेंट ने कोटा फिक्स किया, वो तो पहले भी इंपोर्ट नहीं हो रही थी। तो इस तरह का कोटा फिक्स करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी लोग इंपोर्ट ही जस्ट 100,000 कार्स कर रहे थे, तो 120 का फिक्स करने की कोई लॉजिक नहीं थी, तो इसलिए इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। एक बाइंडिंग कोटा होता है कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेड वॉल्यूम है, जितनी इम्पोर्ट हो रही हैं, उससे जब आप अपना ट्रेड कोटा नीचे फिक्स करते हैं, लाइक 1,00,000 गाड़ियां आ रही थी, आपको लगा कि 1,00,000 गाड़ियों की वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर आप अगर उस कोटा को फिक्स कर देते हैं 80,000 कार्ड्स पे या 50,000 कार्ड्स पे, तो ये हमारे लिए फिर बाइंडिंग कोटा होगा, क्योंकि आप इसको फॉलो करना ज़रूरी है। ऑलरेडी लोग पहले ज़्यादा मंगवा रहे थे, आप उन्हें कम मंगवाना पड़ेगा, कम मंगवाने की उन्हें इजाज़त होगी। कोटा के भी अगेन उसी तरह से प्रॉब्लम्स होंगे, उसी तरह से फ़ायदे होंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक करने में काफ़ी हेल्प करेगा, लोकल इंडस्ट्री को हेल्प करेगा, लेकिन अगेन अगर हम ऐसी चीज़ें इंपोर्ट करवा रहे थे जो हमारे लिए एसेंशियल थी, उन पे कोटा फिक्स हो गया, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी होगा। देन इज एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है कि आप कोटा को कम करते करते ज़ीरो पे ले आते हैं। जब कोटा ज़ीरो हो जाता है उसको एम्बार्गो का नाम देते हैं। इसको हम 100% बैन भी कहते हैं, लाइक आप बिल्कुल बैन कर देते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट आपकी। बैन अगेन दो तरह का हो सकता है, प्रोडक्ट पे भी हो सकता है, कंट्री पे भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोटा फिक्स किया है, तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट किसी भी कंट्री से आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते। और अगर किसी कंट्री पे लगाया, तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस स्पेसिफिक कंट्री से कोई भी चीज़ इम्पोर्ट नहीं करवा सकते। तो इसका भी अगेन फ़ायदा यही होता है एम्बार्गो का, कि हमारे लिए लोकल गुड्स की तरफ लोग इंक्लाइंड होते हैं कि इंपोर्टेड गुड्स कंट्री में नहीं आ रही होती। सब्सिडी टू एक्सपोर्टर्स भी एक अगेन हमारे लिए एक अच्छा टूल होता है। लाइक आप क्या करते हैं कि जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, उनको आप सब्सिडी देना शुरू कर देते हैं, उनको आप फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जैसे आजकल आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ सब्सिडीज अनाउंस की हैं जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, और जो हमारी डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज हैं, जो कोरोना की वजह से जिनको प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए अच्छा खासा लाइक गवर्नमेंट ने कोई 1200 अरब रुपए का जो पैकेज अभी अनाउंस किया है, कल परसों ही उन्होंने अनाउंस किया, तो उसमें क्या है कि वो सारी की सारी सब्सिडी कहलाएगी, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको गवर्नमेंट हेल्प करने के लिए कुछ अमाउंट देती है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, या उनके टैक्सेस जो बनते थे उनको टैक्सेस में रिबेट दे देती है, या टैक्स में टैक्स बिल्कुल उनके लिए या फॉर द टाइमिंग ज़ीरो कर देती है। तो ये क्या होता है, ये सब्सिडी होती है। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री को सब्सिडी दे रहे हैं, तो फिर क्या उसका रिजल्ट निकलता है, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि हमारा जो एक्सपोर्टर है, जो हमारा प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट कर रहे चीज़ें, उसको अगेन ब्रीदिंग स्पेस मिलती है, और उसके लिए हेल्प हो जाती है कि वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। अगेन दो तरह से हेल्प हो जाएगी, लोकल डिमांड भी हमारी पूरी हो जाएगी, और एक्स्ट्रा गुड्स प्रोड्यूस होंगे जो हम दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं जी।
और इसके अलावा हमारे पास एक्सचेंज कंट्रोल का एक मेथड है। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक आपको एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करता कि आप डॉलर्स की ट्रांजेक्शन्स कर सकें। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल बैंक चाहता है कि आपकी जो इंपोर्ट्स की डिमांड है वो कंट्रोल हो जाए, तो सेंट्रल बैंक आपको एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा अलाउ ही नहीं करेगा। जैसे अगर एक इंडिविजुअल अगर 1 लाख डॉलर्स की लेट से एक साल में अगर इंपोर्ट्स करवा सकता है, तो उसके लिए लिमिट कर देगी कि नहीं, 1 लाख नहीं, 50,000 डॉलर्स की डिमांड आप एक साल में कर सकते हैं। अब जब 50,000 की आपकी लिमिट पूरी होगी, तो सेंट्रल बैंक अब आपको अलाउ ही नहीं करेगा कि इससे एक्स्ट्रा आप इम्पोर्ट करवाएं। तो ये भी आपको काफ़ी हेल्प करता है कि वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट्स कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा वॉलेंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एक मेथड होता है जो कि ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री आपको हेल्प करने के लिए करता है। ये रेस्ट्रिक्शन आप अपनी कंट्री पे नहीं लगा रहे होते, बल्कि आपका जो ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है वो आपको हेल्प करने के लिए ऐसा करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट आती है पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो रहा है, अब होगा ये कि अगर चाइना चाहता है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो जाए, वो आपको हेल्प करना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान अगर किसी किस्म के क्राइसिस से गुजर रहा है, वो आपको हेल्प करने के लिए अपने एक्सपोर्टर्स पे वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि आप लोग पाकिस्तान को एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा की एक्सपोर्ट्स ना करें, क्योंकि पाकिस्तान हमारी वजह से डेफिसिट में जा रहे हैं। तो ऐसा अगरचे बहुत कम होता है, लेकिन कुछ कंट्रीज जो फ्रेंडली कंट्रीज होती हैं, वो ऐसे रेस्ट्रिक्शन अपने एक्सपोर्टर्स पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज रेड टेप। रेड टेप का मतलब होता है कि आप क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देते हैं, लोगों के लिए इंपोर्ट करवाना इतना मुश्किल कर देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि इंपोर्ट करवाएं ना। जैसे प्रोसीजर प्रोलॉन्ग कर देंगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा, कॉम्प्लिकेशन उसमें बढ़ जाएंगे। उसके बाद करेंसी की वैल्यू को भी डेप्रिशिएट करके गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है कि वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट कंट्रोल हो जाए। जी, तो हम इस टॉपिक को कंबाइन करते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है। इंडिपेंडेंट क्वेश्चन क्या आता है इसके ऊपर, अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप लोग लिख लें, इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे आता है। पार्ट ए में वो पूछ लेता है कि एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, लाइक डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट वेज गवर्नमेंट कैन यूज टू कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट। ठीक है, उसमें फिर ये ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के सारे आप पॉइंट्स लिखेंगे। पहले एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दो रिक्वायरमेंट्स होती है, नॉलेज प्लस एप्लीकेशन। नॉलेज से क्या मुराद है, नॉलेज से मुराद है आप बेसिक टर्म की डेफिनेशन लिखेंगे, प्रोटेक्शनिज्म की डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके बाद आप इनमें से ये जो आपने डिफरेंट पॉइंट्स देखे हैं प्रोटेक्शनिज्म के, इनमें से कोई तीन तीन से चार पॉइंट्स आप एक्सप्लेन कर देंगे। अगर वेल एक्सप्लेन होंगे ग्राफ ग्राफ के साथ और एग्जांपल के साथ, तो तीन भी सफिशिएंट है। अदरवाइज कोशिश करें कि चार पॉइंट्स लिखें, एक एक्स्ट्रा हो जाए लेकिन कम ना हो। जी, लेकिन अगेन उसकी रिक्वायरमेंट एग्जामिनर की नहीं होती कि बंच ऑफ पॉइंट्स आप लिखते जाएँ, उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वेल डेवलप्ड हो, कम पॉइंट्स हो बेशक लेकिन वेल डेवलप्ड होने चाहिए। पार्ट ए में वो ये सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, 8 मार्क्स का। पार्ट बी में पूछते हैं कि डिस्कस वेदर ट्रेड प्रोटेक्शन कैन एवर बी जस्टिफाइड। जी, आप में से कोई अनम्यूट करके मुझे दूसरे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, डिस्कस वेदर प्रोटेक्शनिज्म कैन एवर बी जस्टिफाइड। जी, अनम्यूट करके क्वेश्चन की सिर्फ रिक्वायरमेंट बता दें, आंसर इसी में से होगा जो हमने अभी पढ़े। इसकी जरा रिक्वायरमेंट बस मुझे थोड़ा सा बता दें कि क्या होगी। सर मुझे एक क्वेश्चन हो, लेकिन पता नहीं सर रिलेटेड है नहीं है कौन सा? सर, वो कंज्यूमर सरप्लस वाला। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस वाले को हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसी टॉपिक पे जरा अगर हम स्टेक रखें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए हम देखें इसको। ठीक है सर, ठीक है मैं आपको मोहम्मद जान वो समझा देता हूँ कंज्यूमर सरप्लस का। और भी किसी को जी। बस कंज्यूमर सरप्लस में मसले हैं? ठीक है, इसी पे अभी स्टिक रहे हैं, यही टॉपिक, इसको हम कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये वाला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाए जो मैंने आज प्लान किया हुआ था। फिर हम मैं आपको
बाकी भी अगर आप में से कुछ समझना चाहे तो वो क्लास में मतलब ऑनलाइन रह सकते हैं और वो मैं समझा देता हूँ कि मैं सरप्लस क्या चीज़ है, कैसे उसको कैलकुलेट किया जाता है और उसकी क्वेश्चन क्या पूछता है। जी, दूसरा जो क्वेश्चन है, डिस्कस वेदर ट्रेड प्रोटेक्शन कैन एवर बी जस्टिफाइड, इसका क्या आंसर होना चाहिए। मतलब इस सवाल का आंसर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बता दें कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, डिस्कस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। मोहम्मद जान आप ही बता दें। सर इसमें पहले डेफिनेशन, फिर प्लस पॉइंट, फिर नेगेटिव पॉइंट, फिर कंक्लूजन देना होता है। अच्छा, देखें आपकी डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है, डायरेक्शन आपको पता होना ज़रूरी है, आंसर तो बाद में आता है ना। पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने जाना कहाँ है, इस्लामाबाद से आपने पिशावर जाना है कि कराची जाना है, इस्लामाबाद से पिशावर जाना है या कराची जाना है, इसकी इसकी डायरेक्शन क्या सेट, कौन सेट करता है। क्वेश्चन का पहला लव सेट करता है, जैसे डिस्कस क्वेश्चन था, डिस्कस क्वेश्चन आपको क्या कहता है, डिस्कस क्वेश्चन आपको ये कहता है कि आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, आपकी जो आंसर की डायरेक्शन होनी चाहिए, पहले आप पॉइंट्स फॉर बताएंगे, फिर पॉइंट्स अगेंस्ट बताएंगे, फिर कंक्लूजन बताएंगे, तीन चीज़ें ज़रूरत होती हैं। और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन होता है और 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 4 + 4 + 4 ये डिवीजन होती है, लाइक 4 मार्क्स पॉइंट फॉर के लिए, 4 अगेंस्ट के लिए, 4 कंक्लूजन के लिए वो देता है। ठीक हो गया। तो अब इसमें क्या होगा, पॉइंट्स फॉर क्या होंगे कि प्रोटेक्शनिज्म हम कहेंगे कि इट कैन बी जस्टिफाइड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड। प्रोटेक्शनिज्म उसने क्वेश्चन पूछा था, डिस्कस वेदर प्रोटेक्शनिज्म कैन एवर बी जस्टिफाइड, क्या ये जस्टिफाई हो सकती है, तो आप बताएंगे कि इट कैन बी जस्टिफाइड ऑन फॉलोइंग ग्राउंड बिकॉज इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमी इन फॉलोइंग बेस, इस तरह से आप स्टेटमेंट को स्ट्रक्चर कर लेंगे। आप बताएंगे कि जैसे टैरिफ गवर्नमेंट ने लगाया तो उसका क्या फ़ायदा होगा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि इम्पोर्ट्स वॉल्यूम कंट्रोल हो गया, सनराइज इंडस्ट्री, सनसेट इंडस्ट्री, डंपिंग को हमने स्टॉप कर लिया, ये प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो गए, उसके अलावा हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो जाता है, लोकल यंग इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेहतर होगी और गवर्नमेंट के लिए टैक्स रेवेन्यू भी जनरेट होगा। ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो हमने इसके अंदर लिखने हैं। उसके अलावा हम स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री का भी कह सकते हैं कि जैसे हमारी डिफेंस इंडस्ट्री है, उसकी सीक्रेट चीज़ें भी हम, वी कैन कीप देम सीक्रेट, तो उनके भी आउट होने के चांसेस नहीं होते अगर हम प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसीज यूज़ करेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का पॉइंट भी मैंने बता दिया कि उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ठीक हो सकता है। जब आप ये चीज़ें लिख चुके होंगे, ये पॉइंट्स फॉर में आ जाएंगे, पॉइंट्स अगेंस्ट में आप क्या लिखेंगे कि प्रोटेक्शनिज्म cannot always be justified because it has many drawbacks as well. Drawbacks में अब आप क्या लिखेंगे कि जैसे सपोज करें टैरिफ आपने लगाया, अगर टैरिफ आपने ऐसी चीज़ों पे लगाया है जो हमारे लिए यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ हो रही थी, कंपोनेंट्स के तौर पे यूज़ हो रही थी, जैसे मैंने बताया कि अगर हमारी लोकल इंडस्ट्री इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल पे, इम्पोर्टेड कंपोनेंट्स पे डिपेंड कर रही है और वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं टैरिफ की वजह से, तो लोकल इंडस्ट्री हमारी डैमेज होगी, तो लोकल इंडस्ट्री जब डैमेज होगी तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को भी कॉज करेगी, वो हमारे जीडीपी को भी डिक्लाइन करेगी, वो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ को भी रोकेगी और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी लोगों का उसकी वजह से कम हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से एक फीडबैक इफेक्ट भी होता है। फीडबैक इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी कंट्री के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, ये बैरियर्स क्रिएट किए हैं, तो क्या वो खुश हो जाएंगे कि आपने ऐसा किया तो बड़ा अच्छा किया, वो भी रिटेलिएट करेंगे। अगर आपने उनके प्रोडक्ट्स पे लगाया तो वो भी आपके प्रोडक्ट्स पे लगाएंगे, तो उसका मसला ये होता है कि फिर आपकी एक्सपोर्ट्स वॉल्यूम कम हो जाता है, सो ये रिटेलिएशन और प्राइस वॉर भी शुरू हो सकती है। और एंड पे जब कंक्लूजन देंगे तो आप कंक्लूजन, आपकी ओवरऑल एक शॉर्ट समरी होती है जो आप पूरी डिस्कशन कर चुके होते हैं, आप यस नो में आपका कंक्लूजन कभी नहीं होता, आप सिर्फ एक एक्सटेंट बताते हैं। आप इकोनॉमिक्स में एक चीज़ ध्यान में रख लें, यस या नो में आंसर कभी भी नहीं होता, आपने सिर्फ एक्सटेंट बतानी होती है कि टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन बी जस्टिफाइड एंड टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन नॉट बी जस्टिफाइड। ठीक है जी। अच्छा, उसके अलावा जो आज की प्लानिंग का मेरा हिस्सा था कि प्रोटेक्शनिज्म के साथ मैं कनेक्ट करूँगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने की क्या पॉलिसीज हो सकती हैं,
कंट्री का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको ठीक करने की जो हमारी पॉलिसीज होती हैं, दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, एक को कहते हैं एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज और एक को कहते हैं एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसीज। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज वो होती हैं जो लोगों को स्विच करती हैं इम्पोर्ट से लोकल गुड्स की तरफ, जिनमें एक पहला मेथड है प्रोटेक्शनिज्म और दूसरा मेथड होता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जी, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से क्या होगा अगर हम इसको देखें? जी, ये हमारे पास डीवैल्यूएशन का पूरा इम्पैक्ट है। ये वही वही वाली पिक्चर है आप लोगों की जो क्लास में मैंने पढ़ाया था, उसी बोर्ड की मैंने पिक्चर ले ली थी। इसी से ज़रा इसको क्विकली समझ लेते हैं। अगर करेंसी डेप्रिशिएट करती है, डीवैल्यू होती है, तो इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है? उसका इम्पैक्ट ये क्रिएट होता है कि डेक एंड डाई, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी आपको, डेक एंड डाई एक सेल्फ मेड एक्रोनिम है। इसका मतलब हम ये ड्रॉ करते हैं कि डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन मेक्स एक्सपोर्ट्स चीपर, डेप्रिसिएशन मेक्स इम्पोर्ट्स एक्सपेंसिव। क्योंकि ये चीज़ अक्सर बच्चों को बड़ा क्विकली भूल जाती है कि डेप्रिसिएशन की वजह से एक्सपोर्ट प्राइसेस और इम्पोर्ट प्राइसेस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ याद रखें डेक एंड डाई, तो आपके लिए ये याद रखना काफ़ी आसान होता है। जी, डेप्रिसिएशन का क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा? शॉर्ट रन में इसका इम्पैक्ट अलग होगा, लॉन्ग रन में इसका इम्पैक्ट अलग होगा। इस क्वेश्चन में या ये जो टॉपिक है, ये चूंकि डेटा रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछता है, बहुत सारे बच्चे इसकी कंडीशंस को भूल जाते हैं। देखें, इसको एक तो ये चीज़ आप जेन में रखेंगे, दूसरा आप ये जेकब फिनोमेना जेन में रखेंगे। अगर ये दो चीज़ें आप याद रखने में कामयाब हो गए, तो फिर आपके लिए कनेक्शन बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। कैसे? सपोज करें, डेप्रिसिएशन का पहला इम्पैक्ट तो ये क्रिएट हुआ कि एक्सपोर्ट्स सस्ती हो गई, इम्पोर्ट्स महंगी हो गई, और दूसरा इफेक्ट ये होगा कि शॉर्ट रन में डेफिसिट को कॉज करेगा, नुकसान होगा, नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, लेकिन लॉन्ग रन में हमें हमें फ़ायदा होगा क्योंकि हम सरप्लस में चले जाएंगे। और ये जो फिनोमेना क्रिएट हो रहा है, इसको हम जे को फिनोमेना कहते हैं। इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं ऐसे, क्योंकि इसकी जे से थोड़ी मिलती जुलती शक्ल है, इसलिए इसको हम जेकर्व का नाम देते हैं। तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि डेप्रिसिएशन से शॉर्ट रन में हमें क्या होगा, नुकसान होगा। शॉर्ट रन में नुकसान डेफिसिट की फॉर्म में होगा, लॉन्ग रन में फ़ायदा सरप्लस की फॉर्म में होगा। और ये जो सारा फिनोमेना क्रिएट होता है, इसको कलेक्टिवली हम कहते हैं जेकर्व फिनोमेना, या फिर इसको हम मार्शल लर्नर कंडीशन कहते हैं। अच्छा, आप ना बेटा, आप उस दिन पूछ भी रहे थे मार्शल लर्नर कंडीशन के बारे में, तो आप ये पॉइंट अपना क्लियर कर लें यहाँ पे आज ही। जी, क्या होगा? इनइलास्टिक डिमांड है और हमने ये डिटरमिन कर लिया कि प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट्स कम होंगी, प्राइस ऑफ इंपोर्ट्स बढ़ेंगी। लेकिन अगेन, शॉर्ट रन के लिए हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ा था, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मर्ज हो रहे हैं, इसलिए इसको भूलना लोग बड़ा जल्दी भूल जाते हैं। आपको चैप्टर टू में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, उसको भी ज़हन में लाना होगा, डेक एंड डाई और डेप्रिसिएशन को भी ज़हन में लाना होगा, फिर ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखना होगा कि क्या है। सबसे पहली चीज़ हमने ये डिटरमिन की कि डेप्रिसिएशन से एक्सपोर्ट्स की प्राइस कम हो जाती है, इम्पोर्ट्स की प्राइस बढ़ जाती है। लेकिन चूंकि शॉर्ट रन में डिमांड इनइलास्टिक होती है, इसलिए डिमांड में जो चेंज आएगा वो कम होगा। सिंगल एरो शो करे कि इम्पैक्ट कम है, और डबल एरो ये शो करे कि इम्पैक्ट ज़्यादा है। लाइक एक्सपोर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स की डिमांड कोई ख़ास नहीं बढ़ेगी, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट से आने वाला रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जी, दूसरी तरफ अगर हम देखें कि इम्पोर्ट्स की प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी डिमांड हम कम करेंगे ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं कर पाएंगे। अगर हम इम्पोर्ट्स की डिमांड कम नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या होगा कि इम्पोर्ट पेमेंट्स हमारी बढ़ जाएंगी। एक्सपोर्ट अर्निंग हमारी कम हो गई थी, इम्पोर्ट पेमेंट्स बढ़ गई, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, डेफिसिट में चले जाएंगे, नेगेटिव बैलेंस बनेगा। इसलिए शॉर्ट रन में क्या होगा, शॉर्ट रन में हम इस तरह से डेफिसिट में जाएंगे। उसके अलावा अगर सेकंड उसके अलावा इम्पैक्ट्स अगर हम देखें, तो शॉर्ट रन में क्या होंगे, वो ये इम्पैक्ट्स होंगे, इनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी डैमेज होगी, वो सफ़र करेगी।
एम्प्लॉयमेंट हमारी कम हो जाएगी, जीडीपी कम होगा, ग्रोथ कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, लेकिन इसका ये फ़ायदा भी है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन इससे कम हो जाती है बट कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इससे बढ़ जाती है। ये डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं। अच्छा, शॉर्ट रन में अब जे कर्व पे इतना इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, अब लॉन्ग रन में देखते हैं कि क्या होगा। लॉन्ग रन में डिमांड इलास्टिक होती है और ये हम कॉन्सेप्ट सरप्लस होएगा, सरप्लस होगा कि एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी लेकिन कम रेट के साथ, और डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि डिमांड इलास्टिक है, तो एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ जाएगी और इम्पोर्ट की ज़रा सी प्राइस बढ़ने से हम डिमांड बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, इम्पोर्ट पेमेंट्स कम हो जाएगी जिसकी वजह से हम सरप्लस में चले जाएंगे। अर्निंग बढ़ गई, पेमेंट्स कम हो गई तो हम सरप्लस में चले गए। अब इसको जे कर्व को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ से फिर फर्दर इसका सेगमेंट ये भी बना देंगे जो कि सरप्लस या पॉजिटिव एरिया में चला गया। इसके लॉन्ग रन में इम्पैक्ट्स और क्या क्रिएट होंगे, वो इम्पैक्ट्स हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री हमारी फ्लरिश करेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, लेकिन इसका नुकसान ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ये बढ़ा देगा, बट अगेन फ़ायदा है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इससे कम हो जाती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ये क्यों बढ़ाएगा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ये इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि हम सरप्लस में जा रहे हैं, जब सरप्लस में जा रहे हैं तो एक्स माइनस एम की वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाती है, एक्स माइनस एम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड का क्या फॉर्मूला था, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक और है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये हमारे पास टोटल एग्रीगेट डिमांड होती है। ठीक है, अब इसमें एग्रीगेट डिमांड में क्योंकि एक्स माइनस एम यानी नेट एक्सपोर्ट्स जैसे कहते हैं ये भी आ रहे हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स क्योंकि बढ़ रही हैं, अगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड बढ़ेगी तो ये लेफ्ट हैंड साइड को भी डेफिनेटली, राइट हैंड साइड बढ़ेगी तो लेफ्ट हैंड साइड भी बढ़ेगी, लाइक नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी, और एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका इम्पैक्ट होता है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। सपोज करें ये आपके पास एग्रीगेट सप्लाई है, ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड है, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे था जहाँ पे आपकी प्राइस पी है और रियल जीडीपी आपके पास वाई है। अब अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ हमारा राइट को शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हमारा ई वन पे आ जाएगा जहाँ पे प्राइस पी वन हो जाएगी और रियल जीडीपी अब हमारे पास वाई वन हो जाएगा। वाई से वाई वन तक रियल जीडीपी बढ़ा है तो ये ग्रोथ को शो करेगा, प्राइस पी से पी वन तक बढ़ी है तो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन को शो करेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए बस इतना ही है हमारा लेक्चर। आप लोगों ने क्या करना है, जो मैंने दो क्वेश्चंस आपको अभी बोल के बताए थे उनको मैं लिख के आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देता हूँ, आप लोग ज़रूर उसको आंसर करें। इकोनॉमिक्स में कोई 10 क्वेश्चंस के अगर आप आंसर लिख के कर लें, उनको जहन में बिठा लें और देख लें कि इसी से मिलती जुलती क्या एप्लीकेशन है जो उसने पास्ट पेपर्स में पूछी हुई हैं, उनको अगर आप कर लें तो नॉलेज एग्जैक्टली वही यूज हो रहा होता है लेकिन स्टेटमेंट क्वेश्चन की वो थोड़ी सी चेंज कर देता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर उसी क्वेश्चन के बारे में क्या क्या किस किस तरह से उसने क्वेश्चन पास्ट पेपर में स्ट्रक्चर किए हुए, अगर मैक्सिमम सिचुएशंस आप देख लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये तो सेम आंसर आ रहा है हर क्वेश्चन के लिए, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ माइनर सा चेंज होता है उस स्टेटमेंट के साथ जो आपको मैनिपुलेशन उसकी थोड़ी बहुत करनी होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 10 questions वैसे ओवरऑल पूरी बुक में से ऐसे स्ट्रक्चर कर लेता हूँ जिससे पूरा सिलेबस भी कवर हो जाता है और जिसकी एप्लीकेशन भी वो मैक्सिमम पेपर में पूछते हैं। तो उनको सर, आपने मेरा पेपर 2 चेक किया? पेपर 2 आपका अभी मेरे ख्याल से चेक नहीं हुआ हुआ, मैं अभी आपकी क्लास खत्म होती है तो मैं उसके बाद फौरन चेक कर लेता हूँ। आजकल असल में यही है कि सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं स्कूल्स की भी, और फिर उसके फौरन बाद एकेडमी की जो क्लासेस थी वो भी ऑनलाइन चल रही हैं, तो वो सारा दिन इसी तरह पूरा बिजी रहता है, तो वो थोड़ी सी सुस्ती भी हो गई क्योंकि स्कूल्स ऑफ हो गए, तो वो कुछ पेपर्स रह गए थे। मेरे ख्याल से आपका अभी चेक नहीं हुआ, देखता हूँ अगर चेक हुआ तो मैं मार्क्स आपको बता देता हूँ क्या है या क्या मिस्टेक्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों ने क्या करना है आज की डेट में, ये करना है कि इस टॉपिक को रिवाइज कर लें जो हमने आज देखा है, और जो दो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स मैंने पढ़ी थी वो मैं आपको व्हाट्सएप पर लिख के भेज देता हूँ, उनको कोशिश करें कि आज की डेट में अगर नहीं तो कल तक मुझे वो लिख के व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें उसकी पिक्चर। ठीक है, कोई अगर चेंजेस होंगे तो वो मैं आपको गाइड कर दूंगा,
और वो काफ़ी आपके लिए इंशाल्लाह ताला हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। फिर आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।